पहाड़ी शरीफ थाना अंतर्गत जलपल्ली नगर पालिका के वदी मुस्तफा इलाके में डेकोरेशन पेंटिंग का काम करते इमरान व सलमान नाम के दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जब शूटिंग के दौरान एक ही समय में एक कलर बॉक्स में विस्फोट हो गया। नव भारत समाचार से संवाददाता अहमद जबारी। ये वादी मुस्तफ़ा का है, पहाड़ी शरीफ वादी मुस्तफ़ा। वो इतफाक केमिकल का डब्बा ब्लास्ट हो गया है, वो के जख्मी हो गए। ये सब इतफाक से हो गया। सो ये तीन जने जख्मी हुए। इस्माइल मेरा नाम है, सैयद मोहम्मद वो मोहम्मद जहांगीर है, मोहम्मद सलीम है। सलीम को ज़रा ज़्यादा फिट हो गया है, उनको इतफाक हो गया। सो इनका वो केमिकल का डब्बा रहता, वो उसको जो उसको सुराख मार के ढक्कन खोलने का था, पहले हेयर निकलने के बाद, वो हेयर निकलने से पहले उन्होंने इतफाक ढक्कन खोल दिया, एकदम ब्लास्ट हो गया वो डब्बा। डेकोरेशन का काम करते वादी मुस्तफा में, गोदाम में अपना। तो कितने साल से करता है? चार साल से पाँच साल से काम करता हूँ। तीन जने जख्मी हुए, तीन जने। क्या नाम है? एक का नाम सलीम है, एक का नाम जहांगीर है, मेरा नाम है इस्माइल, सैयद इस्माइल है मेरा नाम। ज़्यादा जख्मी सलीम है, मोहम्मद सलीम। क्या उम्र क्या है उनकी? उनकी रहती 30-36 उम्र रहती। आपकी क्या उम्र? मेरी 22 है। अभी एक जने की 40 तक रहती है। क्या चाह रहे गवर्नमेंट से आप? हुकूमत से क्या चाह रहे? हुकूमत से क्या है साहब, ये ट्रीटमेंट के बारे में जरा अच्छे से अच्छा और ट्रीटमेंट बोल के ये चाह रहे हैं सर। कहाँ पर लेके आप लोग? ये उस्मानिया हॉस्पिटल में, तो ज़रा इन लोगों का हम लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा हो बोल के वही चाह रहे हैं साहब, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो तो वही बच्चे साहब, दूसरा हमको कुछ भी नहीं चाहिए।